आप सबको स्वागत है। आज हम 25 अप्रैल की शुरुआत में आज पहुंचे हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि हम अकेले पड़ गए हैं, कभी कभी ऐसा लगता है कि पता नहीं कोई साथ देने वाला नहीं है। तो उस समय एक ही साथी याद आता है, एक ही संबंधी याद आता है। सारे संबंधी जब सारे साथी मुंह फेर लेते हैं तो ये लगता है कि हाँ, परमपिता परमात्मा एक है साथी जो कि मेरी मदद कर सकता है, जो कि मुझे गाइड कर सकता है, जो कि मुझे सही दिशा दिखा सकता है। तो आज हम यही सीखेंगे इस वरदान में कि परमपिता परमात्मा हमसे चाहते क्या हैं, ताकि वो हमारी मदद कर पाए, ताकि हम सक्सेसफुल बन पाए। तो इसमें परमात्मा कहते हैं समीप संबंध, किसके साथ का, परमात्मा के साथ का कनेक्शन, और सर्व प्राप्ति द्वारा सहज योगी बनने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। सिद्धि मीन्स सक्सेस। परमात्मा कहते हैं जो बच्चे सदा समीप संबंध में रहते हैं, परमात्मा से सारे संबंध जोड़ के रखते हैं, वो किसी आत्मा पर निर्भर नहीं होते। वो नहीं बोलते कि आज मेरे भाई ने मुझे मदद नहीं करी, मेरे फ्रेंड ने मुझे मदद नहीं करी, मेरे पेरेंट्स ने मुझे मदद नहीं करी, या मेरी स्पाउस ने मेरी मदद नहीं करी, हस्बैंड वाइफ। तो उनको ये लगता है कि मुझे किसी से कोई मदद की जरूरत है नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि सेल्फिश है वो या वो किसी की मदद नहीं करेंगे, लेकिन उनको किसी की मदद की जरूरत नहीं है, उनको परमात्मा से गाइडेंस डायरेक्शन मिल रही है। तो इसलिए समीप संबंध और सर्व प्राप्ति द्वारा, प्राप्ति किससे, परमात्मा से, सहज योगी, ईजी योगी हो जाओगे आप बनने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। जो बच्चे सदा समीप संबंध में रहते हैं और सर्व प्राप्तियों का अनुभव करते हैं, उन्हें सहज योग का अनुभव होता है। वो इजिली जिस कुछ चीज मिलती है उसको इजिली आप याद कर सकते हो, वैसे आप परमात्मा को भी इजिली याद कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। कोई अगर आपका फ्रेंड होता है, आपको गिफ्ट देता रहता है, तो आपको उसकी याद आती है। तो यहाँ पर जो गिफ्ट्स हैं वो खुशी के, शांति के, ज्ञान के, गाइडेंस के गिफ्ट्स हैं, ताकि आप सक्सेसफुल बन पाओ अपने जीवन में। वे सदा यही अनुभव करते हैं कि मैं हूं ही बाप का। उनको ये फील नहीं होता कि पता नहीं भगवान मेरे साथ है कि नहीं है, भगवान मेरे को हेल्प करेगा नहीं करेगा। उनको ये फील होता है कि मैं हूं ही बाप का। उन्हें याद दिलाना नहीं पड़ता कि मैं आत्मा हूं। वो इंटेलेक्चुअली नहीं सोचते रहते कि मैं आत्मा हूं, बिंदु हूं, मेरे को भगवान को याद करना बिंदु नहीं। उनकी फीलिंग में वो घुस जाती है वो सारी चीजें। वो इंटेलेक्चुअलाइजेशन से वो फीलिंग में आ जाते हैं, इमोशनलाइज कर देते हैं उस चीज को। मैं बाप का बच्चा हूँ, उनको ये सोचना नहीं पड़ता। मैं हर दिन उनको पता है वो किसके बच्चे हैं और उनको फीलिंग रहती है वो किसके बच्चे हैं। लेकिन सदा इसी नशे में प्राप्ति स्वरूप अनुभव करते हैं, सदा श्रेष्ठ उमंग उत्साह और खुशी में एक रस रहते हैं सदा, क्योंकि उनका कनेक्शन के साथ है, उनको गाइडेंस मिल रही है परमात्मा से। उनको पता है क्या राइट है क्या रॉन्ग है, उनको पता है कि कौन से कर्म करने चाहिए कौन से नहीं करने चाहिए, उनको पता है कि कैसे बात करनी कैसे नहीं करनी है, उनको पता है कैसे सिचुएशन को पार करना है, कौन से गुणों से, कौन से शक्तियों से, उनको सब कुछ पता रहता है। कि उनका कनेक्शन किससे है, पावर हाउस से। पावर हाउस मतलब कि जो कि ज्ञान का, गुणों का, शक्तियों का ज्ञाता है, उनसे कनेक्शन है। और वो खुशी में एक रस रहते हैं, सदा शक्तिशाली स्थिति में रहते, इसलिए सर्व सिद्धि स्वरूप बन जाते हैं। उनके पास शक्ति है, परमात्मा की शक्ति है, तो वो सिद्धि स्वरूप सक्सेसफुल बन जाते हैं। वो कभी भी क्या बोलते हैं उसको, बेरस जीवन या निरस जीवन कहते हैं इसको, बिना किसी रस के या बिना किसी खुशी के या होगा नहीं होगा, डाउटफुल वैसा जीवन नहीं वो व्यतीत करते हैं। वो आगे बढ़ते जाते हैं, उनको पता है कि करवाने वाला वो है, मुझे सिर्फ अपने मन और बुद्धि को स्वच्छ साफ रख करके उनकी गाइडेंस को कैच करना है, क्योंकि परमात्मा हमें कैचिंग पावर और टचिंग पावर देते हैं जो कि हमारे मेडिटेशन से आती है। नहीं तो हम क्या करते हैं, नहीं तो हम अपनी बुद्धि चलाते हैं और हम थक जाते हैं। ये सब कुछ सिखाया जाता है ब्रह्मा कुमारी। इसमें आप भी आकर के सीख सकते हैं कि आप कैसे खुद हल्के रहें और परमात्मा से गाइडेंस लेते रहें।